हाय, आज हम बनाएंगे बचे हुए इडली की नई रेसिपी। तो मैंने कढ़ाई में इधर तेल डाल के लिया है। इसमें हम डालेंगे जीरा और राई। तो चलिए, तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैंने इसमें डाला जीरा राई, ये तड़क चुका है। अब इसमें हम डालेंगे करी लीव्स, इसको भी थोड़ा तड़कने देंगे। चलिए, इसको हम चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करके लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम रोस्टेड मूंगफली। रोस्टेड मूंगफली को मैंने ऐसे छिलके निकाल के लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। तो चलिए, इसको थोड़ा लाल होने तक हम ऐसे इसमें तेल में इसको रोस्ट करेंगे। अभी इसको साइड में किया है मैंने। इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह थोड़ा लाल होने तक इसमें रोस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है रेसिपी, आप ये ज़रूर बनाइए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। इडली में हमने नमक डाला रहता है, इसलिए आप देख के इसमें नमक डाल लीजिए। तो चलिए, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अभी मिक्स हो चुका है। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स करके लिया है। मैंने इडली को ऐसे अच्छी तरह क्रश करके लिया है। इडली को मैंने ऐसे पूरा क्रश किया है। आप एक इडली में 4 टुकड़े भी करके ले सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे इधर इसी कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करके लेंगे। तो चलिए, इसको फटाफट से इसे मिक्स करके लेते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमको मिक्स करके लेना है। आपको इसको कढ़ाई में ऐसे ही 2 मिनट के लिए रख के लेना है। तो इस तरह से हमको इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेना है। गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए, इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ता डाल के लिया है इस तरह से। और चलिए, इसको भी एक बार मिक्स करके लेते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको गर्मा गर्म ऐसे प्लेट में सर्व करके लिया है। बड़ों को बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अगर घर में इडली बच जाती है तो आप इस तरह से बना के सबको खिला सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you.